स्टूडेंट्स इस मॉड्यूल में अब हम लास्ट मॉड्यूल में जैसे हमने अब वी ट्राई टू अंडरस्टैंड और आई ट्राई टू शेयर विद यू द और द टेक्नोलॉजीज़ अबाउट द क्लाउड कंप्यूटिंग अब हम बात करेंगे क्लाउड कंप्यूटिंग और डेटा साइंस ये कैसे रिलेटेड है ये कैसे इंटरलिंक है उनकी एक दूसरे पे क्या डिपेंडेंसी है कुछ मैंने आपको जो एग्जाम्पल्स दी ईमेल की ऑफिस की डेटा की जो कई चीज़ें आप क्लाउड पे होस्ट करते हैं तो उसमें जो मोस्ट रेलिवेंट फॉर यू एज ए डेटा साइंटिस्ट इज़ डेटा देखिए जब आप हमने सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस को आप दो चीज़ों को फ़िलहाल अगर हम अपना फोकस इस पर रखें तो इट विल हेल्प यू टू क्विकली अंडरस्टैंड अब हर सॉफ्टवेयर है जब आप उसको यूज़ करते हैं तो वो कुछ ना कुछ डेटा जो जनरेट होता है वो स्टोर होता है और वो डेटा क्लाउड पे ही स्टोर हो रहा है क्योंकि एप्लीकेशन क्लाउड पे है तो जब आप एज ए डेटा साइंटिस्ट उस डेटा को एनालाइज़ करना चाहेंगे तो यू इवेंचुअली यू विल हैव टू रीच टू दैट पर्टिकुलर क्लाउड और वो जो क्लाउड है वो अगेन आपका प्राइवेट हो सकता है हाइब्रिड हो सकता है पब्लिक हो सकता है इट विल डिपेंड लेकिन अब आपको ये समझ आ जानी चाहिए कि जो क्लाउड कंप्यूटिंग और एनालिटिक्स या डेटा साइंस ये किस तरह से रिलेटेड है डेटा तो जिसको आपने एनालाइज़ करना जिसके ऊपर आपने मॉडलिंग करनी है कोड लिखने हैं यू नो विजुलाइजेशन करनी है वो डाटा जब क्लाउड पे पड़ा है तो यू विल बी एक्सेसिंग इट ऑन द क्लाउड यू नो इसी से मैं समझता हूँ कि यू विल यू शुड बी एबल टू डेवलप योर अंडरस्टैंडिंग कि क्यों डाटा साइंस और क्लाउड दे आर क्लोजली रिलेटेड एक और जो चीज़ हमने डिस्कस की थी वो ये थी कि द होल वर्ल्ड यू नो इवन द रेगुलेटेड इंडस्ट्रीज ग्रेजुअली वो लोग क्लाउड पे जा रहे हैं फिज़िकल सर्वर्स वो कम से कम हो रहे हैं दुनिया में और जो इंटरेस्टिंगली जो कंपनी सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर का काम करती थी उनका काम अब दे आर गोइंग डाउन या ऐसे बड़े बड़ी कंपनीज जो कि सिर्फ एनालिटिक्स का काम करते थे उनका बिजनेस भी डाउन जा रहा है क्योंकि बहुत सारे एनालिटिक्स के अंदर जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर आ गए हैं बिग डाटा हम करेंगे डिस्कस बिग डाटा के अंदर किस तरह से ओपन सोर्स चीज़ें आई बिग डाटा ने किस तरह से एनालिटिक्स की जो लैंडस्केप था ना दुनिया को दुनिया के अंदर उसको किस तरह से बिग डाटा ने चेंज किया है बेसिकली तो बिग डाटा इज़ अगेन जो भी आपका जो डाटा प्रोड्यूस हो रहा है वो दैट इज़ मोस्टली स्टोर्ड ऑन क्लाउड और ये हमने डिस्कस किया था ड्यूरिंग यू नो प्रीवियस सेगमेंट्स कि जो जितना दुनिया में डाटा जनरेट हो रहा है ना इस वक्त उसमें से मेजॉरिटी क्लाउड पे है इस वक्त आप देखिए कि सोशल मीडिया और ई कॉमर्स और इंटरनेट दैट इज़ ऑल क्लाउड कोई भी इस वक्त अफोर्ड नहीं करता को अपने पर्सनल कंप्यूटर्स पे या पर्सनल डेटा सेंटर्स पे डेटा रखे क्योंकि दे हैव टू एक्सपोज देयर सेल्फ देयर वेबसाइट्स और देयर पेजेस टू द होल वर्ल्ड किसी का अब ये इन पर्सनल इंटरेस्ट बड़ा कम है कि मैं सिर्फ किसी दो चार यू नो वेरी फ्यू पीपल किसी को एक्सेस करे वो हर एक चाहता है कि पूरी दुनिया को एक्सेस करूँ या होल वर्ल्ड शुड बी एबल टू एक्सेस और रीच टू मी तो इसलिए वो हर चीज़ क्लाउड के ऊपर या कहीं पे अब ये नहीं है कि आप उसको ये यू नो सो दिस इज़ वाई एंड हो everything is moving towards cloud and analytics definitely because because software as a service data as a service you know eventually we we are there to manage data you cloud revolution data revolution data science there is one single factor that is data and data is on the cloud so we have to make sure that we have access to the cloud and we have right technologies and tools to understand cloud and have our access to the cloud इकनॉमिकल है डेफ़िनेटली सिक्योर है क्लाउड क्योंकि जैसे हमने बताया कि क्लाउड के जो आपकी रेगुलेशन है ना डिफरेंट जो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर द मेक श्योर के वो डे वन से वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं जिसके अंदर ऑब्वियसली हमने जो चीज़ें डिस्कस की एक डेटा की सिक्योरिटी और प्राइवेसी और जो बाकी चीज़ें है, वो uh, हैं वो डेफिनेटली वेरी करती हैं बट दीज कपल ऑफ थिंग्स आर क्रिटिकल और हर जो कंपनी है जो मेजर प्लेयर हैं क्लाउड के दे मेक श्योर के दे कम्प्लाई विद दिस सो देट दे केन अट्रैक्ट मैक्म पीपल और ज़्यादा से ज़्यादा जो बिज़नेस है उसको वो अट्रैक्ट कर सकें अब इसके फिर उसका एक और इसी से रिलेटेड इसी को कॉन्टिन्यू समझे के हम करें कि फिर आपके पास टूल्स की चॉइस होती है बहुत ज़्यादा यू you नो know, अगर आ, अब आप देखिए अगर आपने अपनी कंपनी में या अपने पास कोई भी चीज़ ख़रीदनी है अभी हमने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की बात की तो थ्री सिक्सटी फाइव आपने सिर्फ यूज़ करना उसके आपने पैसे देने हैं इसी तरह कोई अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर है वो सिर्फ आपने यूज़ करना उसके आपने पैसे देने आपको उसका परपेचुअल लाइसेंस खरीदने की ज़रूरत नहीं है बल्कि आप उसको यूज बेस और इस तरह के मॉडल पर जाते हैं और फिर आपको जितना देन यू हैव चॉइस वरना ये ना कि अब आप अगर वी आर सिटिंग इन वन कंट्री वन सिटी और इन वन कंपनी तो हमारा जो इवन कलेक्टिव नॉलेज बेस है दैट इज़ लिमिटेड टू दिस नंबर ऑफ़ पीपल लेकिन जब आप इंटरनेट पे जाके क्लाउड पे जाके देखते हो हमें ये पता चलता है कि दुनिया में एप्लीकेशंस के डेटा के और कितने ऑप्शन हैं कितने टूल्स अवेलेबल हैं जो कि हमें हेल्प कर सकते हैं दैन वी हैव द लिबर्टी एज डेटा साइंटिस्ट एज अ यूज़र कि मैं उसको कौन सा टूल यूज़ करूँ कौन सा दैन फिर यू कैन रीड रिव्यूज़ आप गिट हब पे जाएँ आपको दुनिया जहान के जो ओपन सोर्स के कोड वहाँ पे मिलेंगे कुछ और भी वेबसाइट्स हैं बट गिट हब मे भी यू कैन नोट दिस दिस इज़ द मोस्ट पॉपुलर वेबसाइट जहाँ पे आपको हर ओपन चीज ओपन सोर्स जो सॉफ्टवेयर उसका कोड आपको वहाँ पे मिलता है तो दिस इज़ द लिबर्टी यू गेट आपको कोई एस को, को, का डेटा चाहिए आपको नो no एस चाहिए आपको पोस्ट ग्री चाहिए यू नो यू यू हैव दिबर्टी एंड यू हैव एक्सेस टू ऑल दी ऑप्शन इन द वर्ल्ड थ्रू क्लाउड ये इस वक्त जो स्लाइड आप देख रहे हैं बेसिकली तीन मेजर प्लेयर हैं इस वक्त पूरी दुनिया में एंड दे हैव इवाल्व फ्राम जो अमेजन है अमेजोन वेब सर्विसज ये कोई बीस पच्चीस साल पर ये ऑब्वियसली सारी ये जो तीनों आप नाम देख रहे हैं अमेजोन वेब सर्विसज गूगल क्लाउड एंड माइक्रोसॉफ्ट एजोर और भी हैं इसके अलावा हुआवे का क्लाउड है औरकल का क्लाउड है आई का क्लाउड है बट दे आर कंसिडर्ड स्मॉलर प्लेयर्स एज फार एज नंबर ऑफ़ द सब्सक्राइबर्स और दिन ऑफरिंग्स आर कंसर्न तो जो ए है अमेजोन दे स्टार्टिड एज एन ई कॉमर्स कंपनी आई यूज़ टू बाई बुक्स एंड सी डीज़ अबाउट ट्वेंटी ईयर्स अगो फ्राम दैम इसी तरह जो गूगल है इन्होंने सिर्फ सर्च इंजन था वहाँ से शुरू किया माइक्रोसॉफ्टवेयर बता हम सब लोग जानते हैं दे स्टार्टड एज के माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आया इनका विंडोज से हम जानते हैं फिर ऑफिस आया फिर और बेशुमार इन्होंने अपने जो सॉफ्टवेयर अपने उसमें ऐड किए देव लॉट ऑफ यू नो थिंग इन देयर पर्सनल तो so, और ये कंपीट करते हैं आपस में बट यू हैव स्टिल द चॉइस एज एजन इवन एज अ ले मैन एज अ कंपनी एज एन ऑर्गेनाइजेशन कि आप किसी भी क्लाउड को सिलेक्ट करते हैं या आप मल्टीपल क्लाउड से भी डिफरेंट सर्विसेज ले सकते हैं तो so, हम ये जो तीनों क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर है नेक्स्ट जो हमारे मोड्यूल्स हैं उस उनमें इनको वन बाई वन डिस्कस करेंगे एंड विल ट्राई टू डिवेलप सम अंडरस्टैंडिंग अबाउट देयर ऑफरिंग्स एंड देयर यू नो पॉजिटिव थिंग्स अबाउट दिस क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स Thank you.